ये सब कुछ काय कृष्णा, तुम रद्दी वाले को अपना किताब देने दी। तुमको याद भी है कितना मुश्किल से हम वो किताबें खरीदे थे। ये सारा खेल वो दुष्ट पिंकी का है। मन तो कर रहा है कि उसको अभी घर से बाहर। शांत हो जाइए। काहे कि अभी तो आप नाटक का पहला भाग ही देखे, दूसरा भाग तो देखे ही नहीं। जरा पर्दा हटने दीजिए, फिर देखिएगा तमाशा। ऐसा कौन सा तमाशा होने वाला है जो तुम हमसे छुपा रही हो? थोड़ा धीरज धरिए ना। और कितना धीरज धरे? आप भी ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नया फिल्म आता है तो आप हाल में जाके उसका कहानी देखते हैं ना, ना कि रेडियो में सुन के तसल्ली कर लेते हैं? एक मिनट, फिल्म का इस बात से का लेना देना? अब लेना देना का है ये हम आपको कैसे समझाएं? पर आप बस इतना समझ लीजिए कि नाटक देखने में जो मजा है वो नाटक सुनने में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा धीरज रखिए ना। हम ये बात सिर्फ सुने थे कि जब भी कोई औरत मां बनने वाली होती है उसके स्वभाव में बदलाव आता है। आज हम देख भी लिए। आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर ये सब का कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कहा है ना कि दीवारों का भी कान होता है ना, इसलिए हम आपको अभी कुछ नहीं बता रहे। मम्मी, वो कोयला खदान अपने आप को बहुत होशियार समझी थी, अपना सारा किताब अपने अलमारी में बंद करके रखी थी, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि हम भी श्रीमती देहाती राज की बेटी हैं। उसका सारा किताब निकाल कर रद्दी में बेच दिए। अरे वाह पिड़की, ये कीड़ा तुम असली वाला वाह। किताब सब कहाँ चला गया? तुमको पता है कहाँ हुआ मम्मी? जब रद्दी वाला वो सारी किताबें लेकर जाने वाला था ना, तभी पिंटू जी और कृष्णा आ गए। बापड़े, हमको तो लगा था कि हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन फिर मौका ही कुछ ऐसा था कि कृष्णा कुछ बोल ही नहीं पाई, और फिर ना वो खुद ही बोल दी ये सारा किताब बेच दो, रद्दी ही तो है। पिंकी, अंदर टेबल के पास हमारा किताब सब रखा हुआ है, उसमें से कुछ किताब और नोटबुक नहीं मिल रहा है, तुम कहीं रखी हो क्या? सुनाई दिया हम क्या कह रहे हैं? पहले फोन रखो फिर बात करो। अरे पिड़की, अब बेटा तुम फोन रखो और देखो ना मेहमान जी क्या कह रहे हैं, पहले उनका सुनो ठीक है? हाँ बापू जी, आप क्या कह रहे थे? हमारा कुछ किताब और नोटबुक नहीं मिल रहा है, तुम कहीं रखी हो क्या? किताब? हम तो आपका किताब देखी तक नहीं है। नहीं देखी हो तो अभी जाकर देखो, हमको अपना सारा किताब और नोट्स चाहिए। हम देखते हैं। बस अब यही काम तो रह गया, बैठ कर इनकी किताबें ढूंढो। देखा हम कहे थे ना यहाँ नहीं मिल रहा है, आखिर कहाँ जा सकता है हमारा जरूरी फाइल? अरे यही तो देखे थे, आपका जरूरी कागज तो कौनो हाथ नहीं लगा था, यहाँ तक हम भी नहीं हाथ लगाते, अब पता नहीं यहाँ से कहाँ चला गया। अरे गजब बबलू जी, वो आपका किताब तो नहीं मिल रहा। तो हमारे किताब को जमीन निकल गया या आसमान खा गया? कृष्णा, कृष्णा, जी सर,
तुम हमारा किताब लियो क्या? नहीं तो जब से आप हमको आपका कमरा में जाने से मना किए हैं तब से हम वहां नहीं गए हैं सर। आपका एक जीके का किताब था हमारे पास पर अभी वो दिख नहीं रहा है। अरे सुनिए, हमारा फाइल सबको कौन हाथ लगाया? आपका फाइल सब भी नहीं मिल रहा है। भी से क्या मतलब है तुम्हारा मास्टर? बाबूजी, बबलू सर का किताब सब भी नहीं मिल रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? बबलू का किताब और आपका फाइल, ये सब कौनो हाथ नहीं लगाता। कहाँ जा सकता है? पिंकी, सफाई के चक्कर में तुम हमारा किताब के साथ बबलू सर का किताब और बाबूजी का कागज सब तो रद्दी वाले को नहीं भेजती? का? तो हम चुप करो पिंकी। ओ बड़की दुल्हन, अरे तुमको अंदाजा भी है कि तुम का की हो? अगर वो कागज सब रद्दी में बिका गया होगा तो हमरा तो बंटा ढारा ही हो जाएगा। कृष्णा, उस समय तुम तो वहां मौजूद थी, फिर तुम इसको काहे वो किताब सब बेचने दी? हम क्या करते सर, आप ही बताइए। बाबूजी का आदेश है कि हम किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसे में अगर हम पिंकी को कुछ बोल देते तो सबको ये लगता कि हम छुप छुप के अपना आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि इस बात को लेकर और झमेला हो, इसलिए हम ये सोचे कि चुप रहना ही ठीक है। पिंकी, आज जो तुम की हो ना, इसके लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में एक किताब नहीं बेचे हैं, हमेशा पढ़ के किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को दिए, और आज तुम हमारा किताब सब रद्दी के भाव बेच दी। पिंकी बिटिया, बबलू एकदम ठीक कह रहा है। रद्दी वाले को एक किताब वगैरह देने से पहले हम तुमको बोले भी थे कि बिटिया एक बार देख लो, लेकिन तुमको देख लेना चाहिए था पिंकी। अब रोने से क्या होगा? तुमको जो गलती करना था वो तो तुम कर दी। अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। सर, बाबूजी आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपका किताब और आपका फाइल सब ले आते हैं। वो कहा है कि हम रद्दी वाला को जानते हैं, अपना वीडियो का तैयारी के लिए हम उन्हीं लोग से अपना किताब सब खरीदते थे। पोस्ट ऑफिस के पास ही उनका बाजार लगता है, हम अभी जाकर आते हैं। कृष्णा, ये सब कुछ जो बार हुआ उसमें हमको मजा तो बहुत आया, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? पिंकी, तुम्हारा किताब बेचते बेचते बाबूजी का फाइल और भैया का किताब कैसे बेच दी?
आपको क्या लगता है वो हमारा सारा किताब बेच पाए? देखिए हमारा सारा किताब हमारे पास। अच्छा है, लेकिन तुम ये सब कुछ की कब और कैसे? अगर वो डाल डाल है तो हम पात पात हैं। अब हम क्या करें मम्मी? सबको लग रहा है कि हम गलत हैं। अरे गलती तो तुम कर भी की हो ना फिड़की। अरे जब तुम्हारा सारा फोकस कृष्णा है तो कहाँ जरूरत था बबलू जी और टुंडू जी का किताब और फाइल बेचने का? मम्मी ये सब का है हाँ? इतना देर से तुम हमें भाषण दिए जा रही हो, ऐसा लगता है जैसे ये सब हम जानबूझकर किए हैं। हमको कहाँ पता था कि कृष्णा के कमरे में बाबूजी और बबलू जी का किताब और फाइल रखा होगा? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर का है। अब तो बता दो कृष्णा कि ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब तब का बात है जब हम पिंकी को चाची से फोन पे बतियाते हुए सुने। आज जब वो बाहर जाएगी ना तो हम उसके कमरे से उसका सारा आईएएस का किताब गायब कर देंगे। ऐसा वार करेंगे कि वो छटपटा जाएगी लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी। तो फिर का हम ऐसा बंदोबस्त किए कि पिंकी ना तो हमारा किताब बेच पाए और उसको ऐसा सबक भी मिल जाए जिसे वो आगे कभी ऐसा करने के पहले 10 बार सोचे। हम चुपके से बबलू सर का कमरा से उनका सारा किताब और बाबूजी का कमरा से उनका सारा फाइल अपना कमरा में ले आए। फिर अपना आईएएस का किताब का कवर निकाल कर बबलू सर का किताब में लगा। और बाबूजी का जो फाइल था उसमें का सारा कागज निकाल कर बबलू सर का किताब का बीच में छुपा दी। रहा सवाल हमारा आईएएस का किताब का तो वो हम लाकर में डाल के रख दी और पिंकी को तुम उसी का जाल में फंसा दी। पिंकी को ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कहा कि हर दिन उसका खुरापात बढ़ता ही जा रहा था। चलो ये सब कुछ तो अच्छा हुआ, बस वो रद्दी वाले के यहाँ से सारा किताब और फाइल मिल जाए। उसका आप चिंता मत कीजिए, हम रद्दी का ढेर से एक एक कागज ढूंढ के निकाल लेंगे। अब आप गुस्सा थोक दीजिए, कोई बात लेकर बैठेंगे का? अरे गंगा देवी आप तो ऐसा बात कर रही हैं जैसा सोनुआ का कोई बैट बाल खो गया है और हम उसके लिए कोप भवन में जाके बैठ गए। अरे वो फाइल में हमारा पूरा जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली। अगर किसी के हाथ लग गया तो हमारा बंटा ढार तो निश्चित है, समझ लीजिए। 6 महीना से पहले जमानत भी नहीं होगा और वो भी हाई कोर्ट में। अब चिंता मत कीजिए, हमको पक्का विश्वास है कि कृष्णा आपका फाइल और बबलू का किताब सब कुछ लेकर आ जाएंगे। बाबूजी, पिंटू सिंह कागज पत्र मिल गया का? हाँ बाबूजी, कृष्णा आपका सारा फाइल और भैया का सारा किताब और नोट्स ले आई। अरे गजब भैया। अरे मास्टर कहाँ हो भाई? देखो हमारा फाइल के साथ साथ तुम्हारा किताब सब भी मिल गया है, आ जाओ। देखा हम आपको बोले थे ना कृष्णा सब ले आएगी। हाँ,
बबलू सर आप भी देख लीजिए, आपका सब किताब है ना इसमें। कृष्णा बिटिया बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब हम निश्चिंत हो गए। हमारा तो सारा किताब है इसमें। बाबूजी आप भी ठीक से देख लीजिए, आपका सारा पेपर्स है ना। हाँ हाँ है भैया, सब है। इसके लिए हम पिंटू सिंह और छुटकी दुल्हन का बहुत बड़का से धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर से छुटकी दुल्हन का। अगर ये फाइल इधर उधर हो जाता तो सचमुच बहुत बड़का मुसीबत खड़ा हो जाता। बहुत बड़का मुसीबत है। घर के सफाई का ही मतलब नहीं हुआ कि कुछ भी उठाकर फेंक दिया जाए। बबलू सब कुछ मिल गया ना, छोड़ दो। तुम लोग ये काम में बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम कर लो। जाओ कृष्णा। कृष्णा होशियारी तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग सादा होशियार बनने के चक्कर में सबके सामने बेवकूफ बन जाते हैं। पिंकी जाने से पहले हमारा एक ठो बात सुन के जाओ। हम बस तुमको इतना बताना चाहते हैं कि हमारा सराफत को हमारा कमजोरी मत समझना। ये बात हम तुमको इसके पहले भी बोल चुके हैं और आज तुमको उसका सबूत भी मिल गया है। अगर आगे से तुम अपना हद पार करने का कोशिश की ना पिंकी, तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि इस घर में तुमको अपना एक एक दिन भारी लगने लगेगा। आपको बहुत काबिल समझती है ना, जिस तरह से काबिलियत निकालेंगे ना तब पता चलेगा। बढ़िया ही हमको मात देने वाली काली टाइम कहेंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मोबाइल तुम्हारा कोई खेलने का खिलौना है जो धपा धप उसके बटन दबाकर खेले जा रहे हो? कल ये कि कौन सी चीज से खेलना चाहिए और कौन सी चीज से नहीं, अब चुपचाप उसे छोड़ो, अभी छोड़ो। तो निकलो यहां से, जाओ। और एक बात ना कान खोल कर सुन लो, हमारी चीजों को हाथ लगाने का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? अगर ये मगरमच्छ वाले आंसू निकाले ना तो इतना डांट पड़ेगा हमसे भी और अपने पापा से भी, समझ गए तुम? चुपचाप निकलो, निकलो। भगवान, ये कोयला खदान तो वैसे ही काबू में नहीं आ रही है, और अभी सूरू नाम के शनि ने हमारा पूरा नक्षत्र खराब कर रखा है।